हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो मैं आज शाहिद कपूर का जो कबीर सिंह मूवी आया था उसका एक फ़ोटो ड्रॉ करने वाला हूँ, उसका एक पोस्टर है मतलब। तो ये मेरा पार्ट वन है और पार्ट टू में मैं इसको कंप्लीट करूँगा। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ, ये जो मैंने पिक्चर डाउनलोड की है वो मैंने पिंटरेस्ट से डाउनलोड की है, जो एक काफ़ी अच्छा ऐप है। आप वहाँ पे अपने स्केचिंग के लिए आइडियाज़ और पेंटिंग का आइडियाज़ भी ले सकते हो, वहाँ पे बहुत सारे कूल आइडियाज़ मिल जाते हैं आपको। और बाकी जो मैंने यहाँ पे आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए यूज़ किया है वो है ग्रिड टेक्निक, जिसमें हम एक ग्रिड बनाते हैं अपने रेफरेंस फ़ोटो में और अपने ड्राइंग पेपर में। तो उसके बाद वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बहुत ही आसान हो जाता है। और ग्रिड टेक्निक का अपना अलग ही एडवांटेज होता है, जो आप काफ़ी मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट इसको पोर्ट्रेट ड्रॉ करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे उनका मतलब टाइम बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है और अपना रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा देता है ये वाला। तो ये काफ़ी एक स्मार्ट तरीका है ड्रॉ करने के लिए, और इससे आप छोटे से छोटे फ़ोटो का भी बड़ा से बड़ा स्केच बना सकते हो। तो जब भी हम ग्रिड टेक्निक का बात करते हैं तो वहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है। एक तो अगर आपके पास वो फ़ोटो मोबाइल पे ही है और आपके पास वो फ़ोटो कॉपी है, कॉपी मतलब आपने या तो प्रिंट करा लिया हो या वो प्रिंटेड फॉर्म में ही है। तो प्रिंटेड फॉर्म में अगर होगा तो आप डायरेक्टली उस प्रिंटेड फ़ोटो में ग्रिड बना के और अपने ड्राइंग पेपर में ग्रिड बना के वो काम कर सकते हो, ग्रिड टेक्निक यूज़ कर सकते हो। और अगर आपके मोबाइल पे वो इमेज है और आप उसको अपने कॉपी पे ड्रॉ करना चाहते हो तो आपके प्ले स्टोर में आपको बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे ऐसे, जिससे आप अपने फ़ोटो में ग्रिड बना भी सकते हो और उसको अपने गैलरी में सेव भी कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा डेमो वीडियो दिखा देता हूँ, कैसे मैं अपने स्केचेस सिलेक्ट करता हूँ और कैसे मैं उनको बनाता हूँ ग्रिड टेक्निक से। तो पहले क्या करना होगा, आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना होगा। वहाँ पर आपको पिंटरेस्ट बोल के सर्च करना होगा, तो जैसे कि मेरे यहाँ पे इंस्टॉल है तो मुझे ओपन दिखा रहा है, आपको इंस्टॉल दिखाएगा तो आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो इसका इंटरफेस कुछ ऐसा होता है। देखिए, मैंने प्रिंटिंग लिख के सर्च किया तो प्रिंटिंग का बहुत सारा ऑप्शन आया था, मैंने आइडियाज़ आए थे। और मैं अभी स्केच लेके सर्च कर रहा हूँ तो मेरे पास स्केचिंग का भी आइडियाज़ आएंगे। ये देखिए बहुत सारे इमेजेस है, इससे आप अपने पेंट जो आप स्केच करने वाले हो उसको सिलेक्ट कर सकते हो। और दूसरा जो ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा वो है आपको प्ले स्टोर में जाके ग्रिड मेकर लिख के सर्च करना पड़ेगा। तो आप जो दिख रहे हैं 3 नंबर ऐप ड्राइंग ग्रिड फॉर आर्टिस्ट, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। वो काफ़ी ऑप्शन देता है आपको, तो उसको आप डाउनलोड इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो उसके बाद ओपन करने से ये ऐसा कुछ दिखाता है। तो आपको वो जो राइट साइड में एक वो फोल्डर वाला आइकॉन दिख रहा है, वहाँ से आप जाके ऐसे फ़ोटो अपने गैलरी से सिलेक्ट करके ला सकते हैं इस एप्लीकेशन पे। और वहाँ पे देखिए लेफ़्ट साइड में तीन जो लाइन है वहाँ पर जाके आप इफ़ेक्ट्स सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने ये वाला फ़ोटो पिंटरेस्ट से लिया था, और ये वाला फ़ोटो देख लीजिए। और उसके बाद मुझे ये दोनों फ़ोटो भी मिल गए, इसके दोनों पार्ट का फ़ोटो। इससे मैं अपने फ़ोटो में और भी डिटेल्स ऐड कर सकता हूँ। और ये बनाया मैंने वो ड्राइंग ग्रिड वाले ऐप से, तो मैंने ये गैलरी पे सेव करके रखा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं पूरा ग्रिड बना है और ग्रिड का नंबर भी दिया हुआ है, कितने रोज और कितने कॉलम्स हुए हैं। तो ऐसे मैं अपने स्केच को स्टार्ट करता हूँ। तो मैं बाकी वीडियो आपको 8x स्पीड में दिखाऊंगा, आप देख लीजिए कैसे मैं आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ वहाँ पे मोबाइल का ग्रिड और वो हमारे ड्राइंग पेपर का ग्रिड मिला के। काफ़ी आसान है, आप लोग देख लीजिए। और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे
अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।